दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक लेके आए हैं जो 12 वोल्ट डीसी ड्रिल मशीन आती है, जो स्क्रू टाइट करने के काम आती है। वो मशीन लेके आए हैं, उसका हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान मिला है और कैसे क्या ये प्राइस में है और इसकी क्वालिटी कैसी क्या है और ये किस कहाँ से हमने परचेज की है, ये आपको हम बताएंगे और इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे। ये हम किस लिए आखिर लेके आए हैं, किस यूज में हम लेंगे इसको। तो ये हमारे सामने एक ड्रिल मशीन है, ये बॉक्स के अंदर पैक है बाकायदा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। ये इओन कंपनी की ड्रिल मशीन है जो बैटरी से चलती है। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये ड्रिल मशीन है। इसके अंदर ये चलाने के लिए आपका स्विच है और ये इसके बीच में जो दे रखा है, ये इसको अगर आप बराबर बैलेंस में दोनों साइड बराबर होगा तो ये आपका ट्रैकर दबेगा नहीं, जिसे आप चलाते हो ड्रिल मशीन। इसको आप इस साइड करोगे तब ये दबेगा आपका, मतलब ये अगर सेंटर में है आपके दोनों साइड बैलेंस में तो ये चलेगा नहीं, चलेगी नहीं मशीन। इस मशीन में तीन लाइटें यहाँ पे छोटी छोटी दे रखी हैं और एक ये फ्रंट में लाइट है, आपको नज़र आ रही होगी। और इसके ऊपर कुछ नंबरिंग दे रखे हैं, ये देखिए आप चारों तरफ नंबर देख सकते हैं। तो इसको हम बैटरी डाल के आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको चलाया जाता है और ये किस पर्पज़ के लिए हम प्रयोग करेंगे अपने काम में। दोस्तों, अब इसमें हम बैटरी आपको डाल के दिखाएंगे कि इसमें बैटरी किस तरीके से लगाते हैं। ये देखिए, बैटरी आपके सामने है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लिथियम टेक्नोलॉजी और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये देखिए आप, ये देखिए इसका एक चार्जर दे रखा है जिससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे और इस तरीके की ये बैटरी बनी हुई है। इसमें यहाँ से इसके प्लस में करंट जाती है और इधर से माइनस, प्लस माइनस दोनों इस पे दे रखे हैं। अब इसमें हम चार्जर आपको दिखाते हैं और इसके साथ क्या मिला है। ये चार्जर एक मिला हुआ है जिसके ऊपर साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना। इस चार्जर में 12 15 वोल्ट का, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक आउटपुट देता है ये चार्जर और इनपुट है 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक। ये आप इस तरीके से लगाएंगे और इसके अंदर जैसे ही लगाएंगे, अगर आपकी बैटरी इस तरीके से लगी हुई है तो इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी। जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें चार्जिंग की प्रोसेस चलती है। अब इसकी बैटरी हमने कनेक्ट कर ली है इसमें, ये देखिए बैटरी हमने लगा दी है। ये देखिए इस तरीके से लगती है बैटरी इस तरीके, और कट की एक आवाज़ आती है। ये देखिए आपकी बैटरी लग गई इसके अंदर। अगर ये ट्रैक आपका बिल्कुल इस तरीके से है जैसे इधर दिख रहा है, इसी तरीके से इधर दिखेगा तो आपका ये स्विच नहीं दबेगा। इसको जब एक साइड करेंगे आप, जैसे इस साइड को मैंने कर दिया, ये इधर को निकल आया है, तो अब ये मशीन चलने के लिए रेडी है। अब इसको चला के हम दिखाएंगे। देखिए, जब भी ड्रिल मशीन चलती है तो इसमें स्पीड काफी ज्यादा तक हद तक है। ये देखिए, तो इसमें लाइटें तीनों जलती हैं आपकी। ये देखिए, और एक फ्रंट में लाइट जलती है। देखिए आप, ये देखिए, ये आपको जैसे होल जिस जगह पे करना है तो पहले लाइट से आप जला के इसको देख सकते हैं कहाँ सही जगह पे होल हो रहा है या नहीं हो रहा है। निशाना लगाने के लिए बिट के पास ही लाइट आपकी जाती है। अब इसमें क्वालिटी की हम बात करें तो प्रीमियम क्वालिटी में है, बहुत अच्छी भी नहीं है ना बहुत खराब ही है, रेट के हिसाब से जिस हिसाब से इसका प्राइस है। और इसको ये दोनों तरफ चलती है, लेफ्ट राइट दोनों साइड को घूमती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉक।
अभी तो ये जो चल रही है आपकी क्लॉकवाइज चल रही है, जिस तरीके से आपकी घड़ी की सुई चलती है, देखिए ये देखिए क्लॉकवाइज चल रही है अभी, इसी तरीके से आपकी घड़ी की सुई चलती है। फिर इसको जब आप इस ट्रैक को दूसरी साइड कर देंगे इस तरीके से, ये देखो उस साइड हो गया, तो आपका एंटी क्लॉक घूमेगा, ये देखिए ये देखिए। आपको जिस जगह पे होल करना है यहाँ वहीं पे एक फोकस आता है, देखते हैं आप लोगों को ये फोकस दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे होल करना है तो ये लाइट एक यहाँ पे जलती हुई ये वाली नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये मशीन चलती है, और ये जो 1 2 3 4 ये नंबर दे रखे हैं, ये इसका कंट्रोलर है कि आप कोई स्क्रू किस चीज़ में टाइट कर रहे हैं। आप लकड़ी में टाइट कर रहे हैं तो इसको 4 से 6 नंबर के बीच में लगा देंगे, आपका स्क्रू बहुत अच्छी तरीके से लकड़ी में टाइट हो जाएगा। इनकेस आपकी बहुत हार्ड लकड़ी है तो उसमें ताकत इसको ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो इसको आप 10 से 12 नंबर इस तरीके से घुमा के ये नंबर जो है 10 नंबर पे कर लीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे तीर का निशान है, इसके ऊपर आ जाता है तो इसमें पावर ज़्यादा हो जाती है, आप कितना भी हार्ड लकड़ी हो उस पर टाइट कर सकते हैं। और ज़्यादा हार्ड लकड़ी है, लोहे की कोई किसी चीज़ में होल करना है आपको बिट लगा के, तो नंबर बढ़ा सकते हैं। ये दोनों साइड को घूमते हैं लेफ्ट राइट, ये देखिए, और कट कट की आवाज़ एक निकलती है इसमें से, और लास्ट में जो इसका पॉइंट है ये पॉइंट दे रखा है आपका सबसे हार्ड वाला, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर हो जाता है। जब हाई प्रेशर हो जाता है तो आपकी ये जो कितनी भी ताकत लगा लोगे मिसिंग नहीं करेगा। अगर आप इसको 1 2 नंबर पे जैसे आपने कर रखा है इस तरीके से ज़्यादा पावर लगाएंगे तो ये मिसिंग कर कर की आवाज़ देगा, इस तरीके से भी दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए तो ये मिसिंग और इस तरीके की एक आवाज़ करता है, मतलब 1 नंबर पे बहुत कम ये लिमिट में ताकत लगाता है। और ये 1 2 नंबर इसका प्लास्टिक में जैसे कोई आपको नेट खोलना है या टाइट करना है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसमें स्पीड का भी दे रखा है 1 नंबर और ये 2 नंबर, जब 2 नंबर पे कर देंगे तो बहुत तेज़ घूमेगी मशीन आपकी, ये देखिए इससे ज़्यादा स्पीड हो जाती है इसकी, ये देखिए ग्रिप भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ग्रिप के मामले में काफी अच्छी इसमें ग्रिप है, ये प्लास्टिक आपको दिख रही है, ये रबड़ सारी लगी हुई है इसके अंदर पतली पतली ग्रिप के लिए कि आपके पकड़ में अच्छी तरीके से आ जाए मशीन। और ये इवन पावर कंपनी की मशीन है, और इसमें इस साइड लिखा हुआ है इवन EPCD12C, कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है, 12 वोल्ट की है, 1.5 Ah की बैटरी है इसके अंदर, और इसके RPM आप देख सकते हैं 350 से 1300 RPM तक है, और 10 mm से लेके 25 mm तक इसमें आगे बिट लगाई जा सकती है, ये जो बिट लगेगी ऐसे इस तरीके की लगी होती है। अब इसमें क्वालिटी की बात करें तो हमारे हिसाब से जिस प्राइस में है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और दूसरी बात, अगर आपकी मशीन हीट हो रही है तो उसके लिए कंपनी ने ये होल बना रखे हैं और हीटिंग निकलने के लिए, देखिए ये दोनों साइड बने हुए हैं और पीछे तक बने हुए हैं, ये देखिए ये देखिए ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मशीन को आप कोई स्क्रू टाइट करने के लिए खोलने के लिए दोनों में यूज कर सकते हैं। प्राइस इसकी बात करें, ये हमने दिल्ली से खरीदी है, ये दिल्ली में उत्तम नगर एक शॉप है बंसल ट्रेडर्स के नाम से, ये आर्या समर रोड के पास पड़ता है उत्तम नगर, वहीं पे क्वालिटी के मामले में अच्छी क्वालिटी है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें 1550 रुपये की मशीन पड़ी है, जिसके साथ हमें 2 बैटरी मिली हैं आपकी और एक चार्जर, एक ये बॉक्स।
और ये जो बिट है इसकी, ये हमने अलग से परचेज की है 40 रुपये की। टोटल सामान ये 1590 रुपये का पड़ा है हमें। मेरा एसी फ्रिज का काम है तो उसमें स्क्रू खोलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमने इस मशीन को ख़रीदा है। और हमारा गर्मी का अब सीज़न आ रहा है एसी का, जो हमारा मेन काम है, तो उसके लिए हमने खासकर इसको परचेज किया है। अब इससे हम आपको एक दो नेट खोल के दिखाएंगे किस तरीके से मशीन खोल सकती है और कितनी जल्दी काम हो सकता है। ये देखिए आपके सामने मशीन रखी है और हम ला रहे हैं, एक मोटर है हमारे पास जिसके हम स्क्रू खोल के आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं एक आरओ की मोटर रखी हुई है हमारे सामने, इसमें हेड में स्क्रू लगे हैं, ये काफ़ी टाइट होते हैं। इससे हम खोलेंगे मशीन से कि खुलेंगे या नहीं खुलेंगे और कितनी क्या पावर पे इसको चलाना है। देखिए 2 नंबर पे चल रही है और इसको जो है हम क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्लॉकवाइज करेंगे तो इससे नट टाइट होंगे आपके। इसको अब एंटी क्लॉक करते हैं और करने के बाद नट खोलते हैं। देखिए ये जो इसमें नट लगे हुए हैं आपके सामने, इसमें टोटल 3 और 3 6 नट लगे हुए हैं। तो इसमें 3 तो नट आपके ये हेड के लगे हुए हैं और 3 नट लंबे लंबे यहाँ तक बॉडी से लगे हुए हैं जो हेड को रोक रखा है। ये देखिए हम खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ सेकंड में नट बाहर आ गया आपका। दूसरा हम नट खोलते हैं आपके सामने। ये देखिए तीसरा नट खोलते हैं, ये भी नट खुल चुका है लेकिन ये फंस गया है कहीं पे बॉडी में। कितनी आराम से देख सकते हैं आप लोग, ये हेड के नट खुल चुके हैं और इसको हेड को हम अलग करते हैं। ये आरओ का हेड है और आरओ की ये मोटर है। ये देखिए ये खुल के बाहर निकल चुके हैं। देखो कितनी जल्दी ये काम हो गया, तो इसलिए इस मशीन का हम प्रयोग करेंगे अपने काम के लिए। और इसके हेड के नट खोल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना टाइट कसा हुआ है नट। तो इसको हम थोड़ी सी ताकत इसकी बढ़ा देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद खोलेंगे। मतलब अगर इसका प्रेशर आप कम रखेंगे मशीन का, तो इसमें ताकत इसमें ज़्यादा नहीं होती है। जितने नंबर बढ़ाएंगे इसमें ताकत बढ़ जाएगी खोलने की। ये इसलिए कंपनी करती है कि आप कोई नट टाइट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत से टाइट कर देंगे तो हो सकता है आपका नेट ही टूट जाए या बॉडी में छेद ज़्यादा हो जाए या बॉडी आपकी मिसिंग कर जाए जो चूड़ी है। तो इसलिए इसकी ताकत दे रखी है कि इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया कुछ इसके बारे में जानकारी और किस तरीके से वर्क करती है। फिर 1-2 महीने यूज़ करने के बाद इस मशीन का हम आपको रिव्यू दिखाएंगे कि ये मशीन कैसी चली, कितनी क्या बैटरी का टाइम रहा और कैसा क्या बैकअप रहा। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय।